हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल जसबीर क्रिएशन में आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये वाला डिज़ाइन जब हम बनाते हैं बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम इस डिज़ाइन को देखते हैं ना ऐसे, तो लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं हम ऐसे बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब हम बनाने लगते हैं और हम आपको ये डिज़ाइन इजी वे में बताएंगे, तो आप फटाफट इस डिज़ाइन को बना लेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि तो बहुत आसान है, इसको बिगिनर भी बना सकते हैं, बस गिनती का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कितने कितने फंदे लिए हैं। जो हम इसको काउंट करते हैं ना फंदों को, बस वो ध्यान रखना है, वो बराबर आएंगे तो डिज़ाइन भी बराबर चलता जाएगा। देखने में ये देखिए डिज़ाइन, ये हमें सीधी फली दिख रही है, इसके साइडों में हमें जाली दिख रही है। अगर हम वैसे देखें तो एक जाली ये है, फिर दो दिखती हैं, फिर तीन दिखती हैं, एक दो तीन, फिर दो दिखती हैं, फिर एक, हमारा ऐसे डिज़ाइन चलता है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। जो हम आपको इजी वे में बताएंगे वो आप जल्दी ही बना लेंगे। दूसरी बात, इस डिज़ाइन को हम ना कार्डिगन में डालेंगे, अपने स्वेटर में डालेंगे, जेट स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बेबी फ्रॉक में ये डिज़ाइन बहुत डलता है। जब हम बेबी फ्रॉक की झालर बनाते हैं तो उसमें इस डिज़ाइन को हम ज़रूर डालते हैं। चाहे उसमें आप ये जो लाइनें हैं दो, ये चार सिलाइयाँ हैं, इसको आप दूसरे कलर में भी डाल सकते हैं, और बीच बीच में ये डिज़ाइन, अगर आप कहेंगे तो हम वो आपको बनाकर दिखा देंगे। दूसरी बात, इसमें जैसे हम इसको बैक साइड गिनेंगे कि हाँ ये हमारी बैक साइड है, और कितने फंदे आगे रखने हैं कितने पीछे वो बताएंगे। और अगर इसको फ्रंट गिनेंगे तो इसमें देखिए हम जहाँ ना बटन पट्टी रख लेंगे 8 फंदों की 10 फंदों की, वो उल्टी उल्टी वो साथ में ही बुनते जाएंगे, तो बटन पट्टी आएगी, हमारे दो पीस बन जाएंगे, दो पीस बनने के बैक बैक बनेगी, तो ये स्वेटर बन के, कार्डिगन बन के, जैकेट बन के बहुत सुंदर लगती है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने क्या किया है, डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। ये ना डिज़ाइनर फंदे हैं, ये डिज़ाइनर फंदे हमने इसलिए डाले हैं कि थोड़ा सा ना बॉर्डर का बेस बना रहे, कि नीचे जब आएगा तो हमें लगे कि ये बॉर्डर है। थोड़ा सा हैवी हो जाता है डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए, क्योंकि हम तीन पीस से डिज़ाइनर फंदे डालते हैं, तीन पीस भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे, जैसी आपकी बुलन है, तो उससे आप डिज़ाइनर फंदे डालिए। डिज़ाइनर फंदे डालना हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है, ये तो हमारी शायद 130 होगी वीडियो, 130 होगी, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है। जसबीर क्रिएशन में आप जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, आप जैसे डिज़ाइन देख रहे हैं आप, तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पूरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, आप कोई भी डिज़ाइन हमारा देख सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को हम आपको बनाना बताएंगे, क्योंकि हमने ये देखिए जब इसका डिज़ाइनर फंदे डाले ना हमने, तो उसके ऊपर ही हमने दो उल्टी चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना दी, चार सिलाइयाँ, जैसे दो बनाई है ना लाइनें, ऐसे दो लाइनें जब हमने बनाई तो बीच में हमने सीधी उल्टी का स्पेस नहीं दिया है, हमने साथ के साथ ही डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। ये इसलिए किया है कि थोड़ा सा बॉर्डर हैवी लगे, बेस बन गया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बताएंगे। डिज़ाइन मोस्टली छः सिलाइयों का ही है, लेकिन इसमें आपको जैसे हम अगर जोड़ेंगे तो चार सिलाइयाँ ये हैं, दो ये हैं, और छह सिलाइयों का डिज़ाइन है, फिर दो सीधी और उल्टी हैं, वो हम आपको बता देंगे। तो वैसे हमारा डिज़ाइन छह सिलाइयों में ही बन जाएगा, डिज़ाइन हमारा यही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने नीचे से ही स्टार्ट करना है, सपोज कीजिए कि हमने फंदे डाले हैं, जब हम फंदे डाल लेंगे तो उसके साथ ही हम कैसे स्टार्ट किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट सिलाई है, गिनिए, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे, ऐसे उल्टी लाइन, पूरी लाइन हम उल्टी बुनेंगे,
ये हमारी स्टार्टिंग है, फर्स्ट सिलाई है पूरी उल्टी। ये देखिए हमने पूरी उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड में हमारी सेकंड सिलाई जो है वो भी उल्टी ही आएगी, लेकिन हम एक फंदा चेन के लिए हर बार उतारते हैं। अब हम फिर उल्टी ही सिलाई बुनेंगे, ऐसे पूरी सिलाई उल्टी। ये हमारी सेकंड सिलाई है। ये देखिए एक लाइन बन गई है उल्टी, दो सिलाइयाँ हमने बनाई है। ये हमारी थर्ड सिलाई है, थर्ड सिलाई भी हम ऐसे सीधा उतारेंगे और ऐसे करेंगे और फिर उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई है। ये देखिए दो लाइनें हमारी बन गई हैं उल्टी उल्टी। अब हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड और फोर्थ सिलाई है, तो हम सीधा फंदा उतारेंगे, थ्रेड इधर करेंगे, क्योंकि हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो हमारी ये उल्टी सिलाई है, तो ये वाली फोर्थ सिलाई भी हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे। ये देखिए हमारी फोर सिलाइयाँ बन गई हैं, दो लाइनें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे ऐसे, सीधा बुना सीधा। ये सिलाई हम पूरी सीधी ही बनाएंगे ऐसे, पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये हमारी सिक्स्थ सिलाई है और रॉन्ग साइड है। हमने हमेशा उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है, इसमें सीधा नहीं बुनना है। उल्टी सिलाई में हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे हर बार। ये देखिए हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई भी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये छह सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, दो चार और छह। छह सिलाइयों के बाद अब हमारा जो ये डिज़ाइन है ये भी छह सिलाइयों पे ही बनेगा। तो डिज़ाइन की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट सिलाई है जी, तो हमने कितने फंदे डाले हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि डिज़ाइन स्टार्ट होने वाला है। हमने 40 फंदे डाले हैं, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस और 40, 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे में ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन बनाएंगे तो आपने स्टार्टिंग ऐसे ही करना है और उसका एंड भी ऐसे ही करना है। बीच में आपके फंदे एडजस्ट होंगे वो हम आपको बता देते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो आपने एक सीधा फंदा उतारा, थ्रेड इधर किया अपनी तरफ। अब हमने दो का एक करना है, दो का एक किया, फिर दो का एक किया दो बार, फिर दो का एक किया तीन बार। तो हमने तीन बार दो का एक किया। अब हम थ्रेड इधर करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल सीधा बुना, थ्रेड आगे किया, जाली डाल लेंगे एक बार, एक पे जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे दो पे जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे तीन पे जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे चार पे जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे पाँच पे जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे छः पे, सिक्स पर छः बार हमने जाली डाल दी। और लास्ट में जब जाली डाल ली तो सीधा फंदा आया है। तो हमने तीन बार जहाँ घटाया था तीन फंदे घटे, तीन फंदे जहाँ हमारे बढ़ गए तीन और बढ़ गए, क्योंकि छः बार किया है। तो हम जहाँ आप छः बार फंदों को घटाएंगे, दो दो का एक करेंगे, तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है, दो का दो का दो दो का एक तीन बार, फिर एक फंदा सीधा बुन के, फिर छः बार आपने जाली डालनी है। जिस सिक्स बार जाली है सीधा फंदा लास्ट में ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हमने थ्रेड आगे करना है और छः बार दो का एक करना है, एक बार दो का एक दो बार, दो का एक तीन बार, दो का एक चार बार, दो का एक पांच बार, दो का एक छः बार। तो हमने छः बार दो का एक किया। अब हम थ्रेड इधर करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर हम थ्रेड आगे करेंगे और छः बार जाली डालेंगे, एक बार
दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और 6 बार। 6 बार हमने फिर जाली डाली, थ्रेड आगे करेंगे, 3 बार दो का एक करेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और लास्ट फंदा हम वैसे ही बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलाई है डिज़ाइन की, तो ऐसे आपने बनाना है। रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। सीधा फंदा ऐसे उतारिए, थ्रेड इधर कीजिए और पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। जो हमारे बीच में जाली वाले फंदे हैं उनको भी हम बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे ही बुनेंगे। ये सिंपल है, फिर जाली वाला है, इसको भी उल्टा ही बुनेंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारी थर्ड सिलाई है डिज़ाइन की, जहाँ से। तो थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे, सीधा फंदा ऐसे ही उतारेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, फिर हम वैसे ही करेंगे जो हमने फर्स्ट सिलाई में किया। दो का एक, एक बार, दो का एक, दो बार, फिर आगे हमें जाली दिख रही है लेकिन हमने दो का एक 3 बार करना ही है, क्योंकि हमने फर्स्ट सिलाई में भी किया था, सिलाई हमारी वही है। अब हम थ्रेड इधर करेंगे, एक फंदा जैसे पहले सीधा बुना था सीधा बुनना है, फिर आगे करेंगे और शेप पे डाली जाली डालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार जाली डाली, अब हम फिर 6 बार दो का एक करेंगे, लेकिन हमें ये दो फंदे भी दिखते हैं, इनको भी करना 6 बार ही है, 1, 2, 3, दो का एक 4 बार, दो का एक 5 बार और दो का एक 6 बार। तो 6 बार रिपीट सिलाई फर्स्ट वाली ही करनी है, थ्रेड इधर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 6 पे जाली डालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। फिर हम दो का एक करेंगे, 1 बार, दो का एक करेंगे, 2 बार। सिलाई है फोर्थ सिलाई, ये फोर्थ सिलाई है, हम ऐसे सीधा उतारेंगे और पूरा उल्टा बुनेंगे, ऐसे पूरा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, हमारी फोर्थ सिलाइयाँ हो गई हैं 4। सेम जो हमने फर्स्ट सिलाई में बुना था वही हमने थर्ड सिलाई में बुना है, अब वही हम फिफ्थ सिलाई में बुनेंगे। हम सीधा फंदा उतारेंगे जैसे उतारते हैं, दो का एक करेंगे 1 बार, दो का एक करेंगे 2 बार, दो का एक करेंगे 3 बार। सेम थ्रेड इधर करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे और 6 बार हम जाली डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। 6 बार हमने जाली डाली, अब हम दो का एक करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार। 6 बार हमने दो का एक किया, थ्रेड इधर करेंगे, सीधा बुनेंगे, 6 बार हम जाली डालेंगे। गिनती का ध्यान रखना है आपने, गिनती में फ़र्क नहीं आना चाहिए काउंटिंग में, तो हमारा ये डिज़ाइन चलता जाएगा। अगर आपने 1 बार 5 बार जाली डाली तो आपका मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने जहाँ से देख लेना है, 2, 4, 6 बार हमने दो का एक किया, एक सीधा बुना, एक एक जाली, 2, 3, 4, 5 और 6 बार हमने जाली डाल दी है। अब हमने दो का एक 3 बार करना है, दो का एक 2 बार, दो का एक 3 बार और लास्ट वाला फंदा हमारा सिंपल आएगा, क्योंकि फर्स्ट में भी सिंपल आता है। तो हमारा डिज़ाइन बन गया है।
अब हम रॉन्ग साइड हैं तो रॉन्ग साइड हमारी पूरी उल्टी आएगी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन 6 सिलाइयों में बनकर रेडी हो गया है। और अब ये डिज़ाइन जैसे देखिए बना है ना, एक एक आई है हमारी ये जाली, दो एक, दो तीन, दो एक। अगर आप इस डिज़ाइन में काउंटिंग में गलती करते हैं तो डिज़ाइन गलत हो जाएगा। काउंटिंग आपकी हमेशा राइट होनी चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन सेट बैठेगा। तो ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन बन जाएगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो वही 6 पे जाली डालनी है और 6 बार 2 का 1 करना है, 6 बार जाली डालनी है और जहाँ 3 बार 2 का 1 करना है। ये हमारी लास्ट है चीज़ें जो 3 बार 2 का 1 करना है। डिज़ाइन हमारा चाहे कितना बड़ा हो, चाहे 100 फंदे हो, चाहे 150 फंदे हों, फर्स्ट जे है, लास्ट जे है, बीच में हमने 6 6 का ही डिज़ाइन बनाना है। 6 6 फंदों पर भी 6 पर जाली डालनी है, 6 बार 2 का 1 करना है। तो ऐसे आपने डिज़ाइन बनाना है। तो हमने स्टार्टिंग में 6 सिलाइयाँ डिज़ाइन की स्टार्ट की थी, 6 का डिज़ाइन है। अब 6 सिलाइयाँ हम फिर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम सीधी सिलाई बनाएंगे, पूरी सीधी। जब हमारा डिज़ाइन बन जाता है तो हम पूरी सीधी सिलाई ही बनाते हैं, ऐसे पूरी सीधी, एक सीधी सीधी फिर उल्टी, 2 सिलाइयाँ हम जे बनाएंगे। ये देखिए सीधी और उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब हम सीधा फंदा उतारेंगे और 2 लाइनें उल्टी उल्टी बनानी है ऐसी, तो हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। एक सिलाई हमारी ये है ऐसे उल्टी, एक सिलाई, 2 3 4, तो हम 4 सिलाइयाँ ऐसी लाइन बनाकर आपको, ऐसी वाली लाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। 6 सिलाइयाँ जे है, 6 पे डिज़ाइन है, 6 सिलाइयाँ हम जे बनाएंगे। 2 हमारी सीधी उल्टी बन गई है और 4 सिलाइयाँ हमने और बनानी है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आप इस डिज़ाइन को बनाइए। ये देखिए 6 सिलाइयाँ जे, 6 पे डिज़ाइन, 6 सिलाइयाँ आगे, तो 6 18 सिलाइयों में ये बन जाता है। अब हम एक सीधी और एक उल्टी बनाएंगे और फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन सेम है, जो फर्स्ट सिलाई है वही थर्ड भी है और फिफ्थ भी है। बस काउंटिंग का ध्यान रखना है आपने और डिज़ाइन बनकर आपका रेडी है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो हमें ज़रूर कीजिए, तभी आप और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पाएंगे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल के बटन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।